गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पना फूतेदास किचन। ये सिंगाड़े के आटे का हलवा है, इसे उपवास में खाते हैं। तो इसे कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, पर अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सिंगाड़े के आटे का हलवा। मैंने इसमें एक कटोरी सिंगाड़े का आटा लिया है, ये एक कटोरी पानी लिया है, आधा घी और आधा शुगर। मैं शुगर इसमें डालती हूँ, ये पानी में मैं डिजोल्व करूँगी। और ये एक कटोरी घी में मैंने पील करके बादाम रखे हैं, कटे हुए हैं, इनको मैं ऊपर जब हलवा तैयार होगा तो ऊपर डेकोरेशन के लिए डालूंगी। मैंने गैस को ऑन किया, घी गरम करने को रखा, एक कटोरी सिंगाड़े का आटा। जब तक एकदम ये ब्राउन हो जाए तब तक इसको भूनते रहना है घी में। गैस को आप अपने हिसाब से कभी फुल और कभी सिम कीजिए। इतना ब्राउन होने तक इसको पकाना। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपका घी आपको लगे कम है, ऐसे फ्लोट नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा आप डाल दीजिए, और क्योंकि अदरवाइज ये अच्छा नहीं बनता। और सिंगाड़े के आटे में जितना आटा है उतना ही कप आपको पानी भी डालना है, क्योंकि ये ज़्यादा पानी होल्ड नहीं कर पाता। मैंने इसमें शुगर डिसॉल्व करने को रखा था, क्योंकि अदरवाइज ना मुंह में आता है वो पूरा शुगर। मैं अब ये तैयार कर रही हूँ, मैं इसमें पानी डालूँगी। अच्छा बनाएंगे। अब ये तैयार हो गया, जस्ट 2 मिनट में बंद करते हैं। तो आप भी एंजॉय कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मैं इसमें थोड़े से बादाम स्प्रिंकल कर रही हूँ, और आधे मैंने गार्निशिंग के लिए रखे हैं।